Hello students! हम चैप्टर थर्टी को स्टडी कर रहे थे फेडरल सिस्टम और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल सिस्टम है इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं अपने इस लेक्चर में हम उनको डिटेल से स्टडी करेंगे स्टूडेंट जो कुछ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पोर्टेंट फेडरल फ़ीचर्स हैं उनको यहाँ पर दिया गया है जिसमें सबसे पहला जो फेडरल फीचर है ड्यूअल पॉलिटी है स्टूडेंट जब हमने जो ये फेडरल सिस्टम है इसको स्टार्ट किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अगर फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है तो वहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट कहलाती है वो और जो स्टेट्स हैं उस उस कंट्री में या फिर जो प्रोविंसेस हैं उनकी जो गवर्नमेंट है जिसे कि रीजनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है तो स्टूडेंट जो सेंट्रल लेवल पर जो नेशनल गवर्नमेंट है और साथ ही जो स्टेट लेवल पर जो रीजनल गवर्नमेंट है इन दोनों के बीच में पावर ऑफ सेपरेशन होता है और जो नेशनल गवर्नमेंट है वो वो नेशनल से रिलेटेड यानी जो क्या है पूरे नेशनल लेवल पर सेंटर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको बनाने के लिए उनको फंक्शन करने के लिए इंडिपेंडेंट होती है और जो रीजनल गवर्नमेंट है यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट से रिलेटेड किसी भी डिसीजन को किसी भी लॉ को बनाने के लिए इंडिपेंडेंट होती है और इसी को ही कहा जाता है डुअल पॉलिटी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट जो नेशनल गवर्नमेंट है जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है वो सेंटर में काम करती है और वो पूरे देश की जो सिक्योरिटी जो देश की सोवरेनिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करती है जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी डिफेंस से रिलेटेड मैटर होते हैं जो भी फॉरेन अफेयर से रिलेटेड मैटर होते हैं या फिर जो भी करेंसी और कम्युनिकेशन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन पर जो लॉज बनाने का जो राइट होता है है, वो किसके पास होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो कुछ ऐसे मैटर्स हैं जैसे कि कम्युनिकेशन है जैसे कि डिफेंस है जैसे कि फॉरेन अफेयर्स है या करेंसी है इन सब मैटर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट होता है उसके पास पावर होती है कि वो इन मैटर्स पर लॉज को बना सकती है वहीं स्टूडेंट अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि वो अपने स्टेट से रिलेटेड जो भी स्टेट में जो पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड जो लॉज हैं और जो हेल्थ से रिलेटेड पब्लिक ऑर्डर और जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी लॉज हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लॉज हैं या फिर जो भी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड लॉज हैं उन सबका इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके थ्रू किया जा सकता है तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट कहलाया ड्यूअल पॉलिटी का उसके बाद जो फेडरल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें दूसरा फीचर बताया गया है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के साथ ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो क्या है सबसे लंबा है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे हैवी कॉन्स्टिट्यूशन है तो स्टूडेंट जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑरिजनली 395 आर्टिकल्स थे और थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स थे सबसे पहले एक प्रियम्बल था आर्टिकल और थ्री नाइन्टी फाइव थ्री हंड्रेड नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स थे और ट्वेंटी टू पार्ट थे और एट शेड्यूल्स थे लेकिन स्टूडेंट अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए या जो डेटा है 2019 तक का डेटा देखा जाए तो अब प्रेजेंट टाइम पे जो 2019 की अगर बात करते हैं तो तब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं वो 395 आर्टिकल्स आर्टिकल से बढ़कर लगभग 470 आर्टिकल्स हो गए हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अब शेड्यूल हैं पहले ओरिजिनली एट शेड्यूल थे अब ट्वेल्व शेड्यूल्स हो गए हैं और अगर देखा जाए तो इसके बाद क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ट्वेंटी टू पार्ट्स थे और अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ट्वेंटी फाइव पार्ट्स हो गए हैं तो स्टूडेंट ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स आर्टिकल से और 22 पार्ट्स से और एट शेड्यूल से और 2019 तक देखा जाए तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पीम्बल है फोर सेवेंटी आर्टिकल्स हैं जो कि ट्वेंटी फाइव पार्ट्स में डिवाइडेड है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब ट्वेल्व शेड्यूल हैं जबकि स्टार्टिंग में औरिजनली उसमें एट शेड्यूल्स थे स्टूडेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वही जो भी लॉज हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड लॉज हों या फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड लॉज हों उन सब को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है तो ये भी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फेडरल फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है जो फेडरल स्ट्रक्चर का उसमें कहा गया है डिवीजन ऑफ पावर्स स्टूडेंट जो हमारे जो हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में क्या होता है डिवीज़न ऑफ पावर होता है जिसमें कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेवन्थ शेड्यूल है उसमें क्या है कुछ लिस्ट दी गई हैं उसमें तीन लिस्ट दी गई हैं बेसिकली जिसमें कि जिसमें से एक है यूनियन लिस्ट एक लिस्ट कहलाती है यूनियन लिस्ट इस लिस्ट में जो भी लॉज बनाने हैं उसका राइट दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये तीन लिस्ट दी गई हैं जिससे कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं वो सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकें और अपने से रिलेटेड जो भी एरियाज़ हैं जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें लॉज का फॉर्मेशन कर सकें तो स्टूडेंट ये तो क्या है जो यूनियन लिस्ट है इसमें जो भी लॉज बनाने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और दूसरी लिस्ट आती है यूनियन लिस्ट के बाद वो कहलाती है स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें लॉज बनाने का राइट दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को ठीक है स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है कि इन इस लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं उन पर वो लॉज का फॉर्मेशन बना सकती है लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है उसमें कोई भी चेंजेस ला सकती है स्टूडेंट जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेवन्थ शेड्यूल है उसमें जो डिवीज़न ऑफ पावर्स को दिखाया गया है उसके लिए सेंटर और स्टेट के लिए तीन सब्जेक्ट बनाए गए हैं बेसिकली तीन लिस्टों लिस्ट बनाई गई हैं जिनमें कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को उनमें इंक्लूड किया गया है स्टेट और सेंटर से रिलेटेड स्टूडेंट इसमें जो लास्ट सब्जेक्ट आता है सॉरी जो थर्ड सब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए जो लिस्ट बनाई गई है इसमें बेसिकली तीन लिस्ट होती हैं एक होती है सेंट्रल लिस्ट दूसरी होती है इसमें स्टेट लिस्ट और तीसरी है कनकरेंट लिस्ट तीसरी लिस्ट होती है कनकरेंट लिस्ट तो स्टूडेंट जो ये तीसरी लिस्ट है जिसे कि हम कनकरेंट लिस्ट कह रहे हैं इसमें जो भी लॉज बनाने का जो राइट होता है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ही पास होता है जिसे कि हम कह रहे हैं कनकरेंट लिस्ट तो कनकरेंट में क्या होता है उस पर कोई भी जो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो जो क्या हो सेंटर की गवर्नमेंट हो दोनों ही लॉस का फॉर्मेशन कर सकती हैं इस सब्जेक्ट इस लिस्ट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें अगर स्टूडेंट अगर इन लिस्ट की बात की जाए तो जो स्टेट लिस्ट है उसमें क्या है प्रेजेंटली उसमें अभी फिफ्टी नाइन सब्जेक्ट्स हैं ओरिजिनली इसमें औरिजनली स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे सिक्सटी सिक्स सब्जेक्ट थे ठीक है स्टेट लिस्ट में अभी कितने कितने सब्जेक्ट्स आते हैं फिफ्टी नाइन सब्जेक्ट्स आते हैं और औरजनली ये सिक्सटी सिक्स सब्जेक्ट थे और अगर हम अगर हम इसमें यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट में प्रेजेंटली नाइन्टी एट सब्जेक्ट हैं जबकि ओरिजिनली इसमें नाइन्टी सेवन सब्जेक्ट थे स्टूडेंट जो यूनियन लिस्ट है इसमें प्रेजेंटली नाइन्टी एट सब्जेक्ट हैं और प्रीविय मतलब ओरिजिनली जो यूनियन लिस्ट है उसमें नाइन्टी सेवन सब्जेक्ट थे और अगर हम कनकरेंट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टूडेंट कनकरेंट लिस्ट में प्रेजेंट में फिफ्टी टू सब्जेक्ट्स हैं और ओरिजिनली ये फोर्टी सेवन सब्जेक्ट्स थे जो कि कनकरेंट लिस्ट में थे और स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो कनकरेंट लिस्ट है जो थर्ड लिस्ट है उसमें दोनों ही चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो दोनों को ही इसमें लॉ बनाने की बनाने का राइट right होता है और स्टूडेंट जो भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनको कि क्या है ना ही स्टेट लिस्ट में दिया गया है ना ही सेंटर जो यूनियन लिस्ट है जो सेंटर के लिए बनाई गई है उसमें दिया गया है तो ऐसे सभी रेजिडरी सब्जेक्ट्स को सेंटर के को दे दिया जाता है ठीक है स्टूडेंट अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि ना तो उसका मैंशन स्टेट लिस्ट में किया गया है और ना ही उसका मैंशन सेंट्रल लिस्ट में किया गया है तो उसको कहा जाता है रेजिडरी सब्जेक्ट और स्टूडेंट ऐसे रेज सब्जेक्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है उसमें अगर कोई भी बचा हुआ कोई सब्जेक्ट है जिसको कि स्पेसिफ़िकली सेंट्रल लिस्ट या स्टेट लिस्ट में डिवाइड नहीं किया गया है कैटेगराइज नहीं किया गया है तो ऐसे सब्जेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें लॉज का फॉर्मेशन करती है तो स्टूडेंट ये हमने समझा डिवीज़न ऑफ पावर्स को जिसमें कि हमने सेंटर और स्टेट के बीच में जो तीन लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं जिसमें कि यूनियन लिस्ट होती है जिसमें कि स्टेट लिस्ट होती है और कन लिस्ट होती है और उसमें जो भी लॉज को बनाने की पावर होती है स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है और जो कन लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें लॉस को बना सकती है तो ये हमने पढ़ा कि इसमें क्या है डिवीज़न ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को बताया गया है स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें दिया गया है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे वो क्या है हमारे इंडिया में हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड कहलाता है यानी क्या है सबसे बड़ा लॉ कहलाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कंट्री में सुप्रीम माना जाता है हम उन्हीं लॉज को फॉलो करते हैं हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी प्रोविजन बनाए जाते हैं और स्टूडेंट जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको गारंटी किसके द्वारा किया जाता है उसके लिए है हमारी जुडिशियरी और उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो हमारी कंट्री है वहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी सुप्रीमेसी को इसकी सुप्रीमेसी को हमारे लिए गारंटीड करते हैं कि क्या है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो इनको ध्यान रखना होगा कि अगर ये कोई भी लॉ बनाती हैं तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो ये कोई भी लॉ बनाती हैं किसी भी लेजिस्लेचर को पास करती हैं तो उसमें ये देखा जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को कॉन्ट्राडिक्ट ना करता हो नहीं तो स्टूडेंट इसको अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को वायलेट करता है तो उसको हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हमारे हाई कोर्ट के द्वारा उसे जुडिशल रिव्यू के प्रोसेस के द्वारा चेक करके उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा तो स्टूडेंट हमारी कंट्री में जो हमारी गवर्नमेंट की जो तीनों ही बॉडीज हैं जिन्हें कि हम लेजिसटिव कहते हैं एग्जीक्यूटिव कहते हैं और जो जुडिशियल हैं उन सब में क्या है उन सब में एक बैलेंस बना रहे ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिप, वो सुप्रीम माना जाता है ठीक है ये क्या है हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज दिए गए हैं जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उसको फॉलो करके ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपने किसी भी लॉ को बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई लॉ बनाना है तो वो भी इसका ध्यान रखेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को वायलेट ना करे नहीं तो उस लॉ को ही वॉयलेट कर दिया जाएगा नल एंड वॉय डिक्लेयर कर दिया जाएगा स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट जो फेडरल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें बताया गया है कि क्या है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अगर फेडरल फीचर है कि ए, कि क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट एक फेडरल फ़ीचर इसीलिए कहा गया है क्योंकि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रेजिड होगा रिजिड का मीन्स है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम इजीली उसको चेंज नहीं कर सकते हैं इजीली उसमें अमेंडमेंट नहीं किए जा सकते हैं स्टूडेंट अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रेजिड होगा मीन्स कि उसको जब ईज़िली चेंज नहीं किया जा सकता है उसको ईजीली अमेंड नहीं किया जा सकता है तो इससे ही जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके बीच में जो पावर का बैलेंस है जो सेपरेशन ऑफ पावर है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो भी लॉज का फॉर्मेशन किया गया है इससे क्या हो कि कोई भी कोई भी जो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी राइट्स हैं उनको वायलेट ना करें उनकी पावर्स को वॉयलेट ना करें और इन दोनों के बीच में क्या हो इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन रहे तो इसीलिए लिए ज़रूरी है कि कोई भी किसी भी फेडरल फीचर में वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड होना चाहिए अगर स्टूडेंट हम हमारे हम कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली चेंज कर देंगे तो उसमें क्या होगा अगर किसी को भी ये पावर होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन को को फ्लैक्सीबल बना दिया जाए तो उसमें कोई भी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो क्या कर लेगी इजीली उसमें चेंजेस कर लेगी इजीली उसको अमेंड कर देगी तो इससे क्या हो सकता है कि कोई भी अपने जो इंटरेस्ट हैं उनके लिए इनका यूज़ कर सकता है और इससे क्या होगा जो बैलेंस है सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर्स का जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा वो डिसबैलेंस हो जाएगा वो मेंटेन नहीं हो पाएगा इसीलिए कहा गया है कि, कि किसी भी फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर में किसी भी फेडरल कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए ताकि ईजीली उसको अमेंड ना किया जा सके और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी को बनाकर रखा जा सके और साथ ही जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैं वो भी क्या हों कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट फेडरल फीचर दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कहा गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है यानी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी को बताया गया है कि ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फेडरल फीचर है स्टूडेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी जो जुडिशियरी है जिसको कि बेसिकली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेड की जाती है और इसमें क्या है सबसे जो सबसे जो हाई लेवल पर होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है इंडियन जु, 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 जुडिशियरी में किसी भी डिसीजन को लेने के लिए और स्टूडेंट ये बताया जाता है कि अगर कोई भी लॉ कोई भी प्रोविज़न चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हो या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हो अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को वॉयलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हमारी हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो उसको वो उसका जुडिशल रिव्यू कर सकता है और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है और स्टूडेंट जो हमारी जो हमारी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो इस वो इस इसलिए भी उसको क्या है एक अलग से एक इंडिपेंडेंट पावर दी गई है ताकि वो क्या कर सके वो ये जुडिशियल रिव्यू की जो प्रोसेस है उसको इजीली फंक्शन कर सके और साथ ही हमारे देश में अगर सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो उसको सुलझाया जा सकता है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हमारी जुडिशरी के द्वारा इंडिपेंडेंटली रिजॉल्व किया जा सकता है और स्टूडेंट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इसीलिए भी है हमारी कंट्री में ताकि अगर किसी भी दो स्टेट के बीच में अगर कोई भी उनके बीच में भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो उसको भी इंडिपेंडेंटली जो हमारी कोर्ट्स हैं जो हमारी जुडिशियरी हैं जिसमें कि हमारी हाई कोर्ट हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं इनके द्वारा इंडिपेंडेंटली फेयरली उसका जुडिसडिक्शन किया जा सकता है और चाहे वो विवाद सेंटर या स्टेट से रिलेटेड हो या फिर स्टेट के बीच में ही हो यदि या दिया दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में ही कोई कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारी जुडिशियरी के द्वारा तो स्टूडेंट इसलिए हमने समझा कि जो हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो हमारी जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि अपने फंक्शंस को करने के लिए कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कभी भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति आ जाती है तो उसमें भी क्या होगा उसमें भी जो हमारी कोर्ट्स हैं जो हमारी हाई कोर्ट है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो जो फैसला देंगी वही माना जाएगा उनके डिसीजन को ही वरीयता दी जाएगी स्टूडेंट इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फेडरल फीचर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें कहा गया है बाई कैमलिज्म ठीक है स्टूडेंट बाई कैमरलिज़म का मीन्स ये होता है कि जो हमारी जो इंडियन लेजिस्लेचर है वहाँ पर क्या है वहाँ पर बाई कैमरलिज़म है मीन्स कि वहाँ पर राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है लेजिस्लेचर जो है वो क्या है वहाँ पर राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है इस पर दो सदन है एक लोकसभा और राज्यसभा स्टूडेंट जो लोकसभा है वो हमारा लोअर हाउस कहलाती है और जो राज्य सभा है वो अपर हाउस कहलाती है स्टूडेंट इसी को ही क्या कहा जाता है बाई कैमरलिज्म जाता है ये हमारे सेंट्रल लेवल पर है कि हमारे सेंट्रल लेवल पर जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेज होते हैं एक राज्यसभा और एक लोकसभा और अगर इसी को हम स्टेट्स में देखें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और स्टूडेंट अगर हम बेसिकली क्या है बाई कैमनिज़म का मीन्स यही है कि हमारे देश में हमारे सेंटर लेवल पर क्या होता है राज्यसभा और लोकसभा होती हैं जिसमें कि जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है और जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है स्टूडेंट जो राज्यसभा है वो हमारे इंडियन फेडरेशन में स्टेट्स को स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करता है जबकि जो लोकसभा है वो हमारे इंडिया के सभी लोगों को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता है उसमें पूरी इंडिया से कहीं से भी कोई भी पर्सन आके उसमें अपनी मेंबरशिप ले सकता है यानी जो पूरी कंट्री से जो मेंबरशिप हमको दिखाई देती है जो जो रिप्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंटेशन लोगों का दिखाई देता है वो लोकसभा में दिखाई देता है और अगर हम स्टेट्स के इंटरेस्ट की बात करें अगर स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करें तो उसके लिए हमारी जो राज्यसभा हैं वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं स्टूडेंट जो राज्यसभा हैं इनके पास क्या है वैसे तो ज़्यादा ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं ये ज़्यादा पावरफुल चैम्बर नहीं होता है लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल इक्विलिब्रियम है उसको बनाए रखने के लिए और जो हमारे स्टेट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी जो हमारी राज्यसभा है उसका होना ज़रूरी है जिससे कि जो स्टेट्स में जो स्टेट्स लेवल पर जो भी गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या हो सेंटर का जो अंड इंटरफेरेंस है वो ना हो सके स्टूडेंट ये हमने पढ़ा बाई कैमरलिज़म का कॉन्सेप्ट तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर अपने सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फेडरल फीचर्स थे उनको एक बार स्टडी कर लिया स्टूडेंट अब एक बार हम देख लेते हैं कि इनको आपकी जो लक्ष्मीकांत की बुक है इंडियन पॉलिटी में उसमें किस तरीके से समझाया गया है सबसे पहले हम बात करते हैं डल पॉलिटी की की जो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर है उसकी जो पॉलिटी है वो ड्यूअल है जिस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूअल पॉलिटी का मींस है कि जो यूनियन है सेंट्रल लेवल पर एक अलग गवर्नमेंट है और साथ ही जो स्टेट्स है वो क्या है इसकी पैरफेरी है उस पर भी क्या है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है और इसमें क्या है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो दोनों को ही अपना अपना अलग अलग उनका रेस्पेक्टिव फील्ड दिया गया है जहाँ पर वो अपने से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनको बना सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और स्टूडेंट अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि जो हमारे देश के जो डिफेंस से रिलेटेड मैटर है फॉरेन अफेयर से रिलेटेड मैटर है करेंसी करेंसी से रिलेटेड मैटर है या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड है उसमें मैंने अभी आपको समझाया कि इन सब मैटर्स पर यूनियन गवर्नमेंट के पास राइट right होता है कि वो इन से रिलेटेड मैटर पर लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है क्योंकि ये क्या है नेशनल इम्पॉटेंस से रिलेटेड मैटर हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है स्टेट में जो भी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है स्टेट में जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लू जो भी रूल्स हैं जो भी लॉज हैं जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी पब्लिक वेलफेयर में जो भी रूल्स बनाए जाने हैं जो भी लॉज बनाने हैं जो भी पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन किया जाना है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है या फिर लोकल लेवल में जो भी गवर्नमेंट है उसके लिए जो भी उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं जो भी उसकी पॉलिसीज़ हैं उसका फॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर डॉल पॉलिटी को समझ लिया इसके बाद जो इसका नेक्स्ट फीचर है जिसमें कि अभी हमने पढ़ा कि इंडियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है फेडरल सिस्टम के बारे में कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जैसा कि यहाँ पे भी बताया गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल रिटर्न डॉक्यूमेंट ही नहीं है बल्कि ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टूडेंट ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल था 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे और एट शेड्यूल्स थे स्टूडेंट जबकि 2019 का जो डेटा है उसको देखा जाए तो 2019 तक जो चेंजेस आए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल है और जो आर्टिकल्स हैं वो 470 आर्टिकल्स हैं और जो पार्ट्स हैं पहले 22 पार्ट्स थे और अब 25 पार्ट्स हो गए हैं और जो शेड्यूल्स हैं जो कि ओरिजिनली एट शेड्यूल से अब ट्वेल्व शेड्यूल्स हो गए हैं स्टूडेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी जितने भी जो हमारे और जो भी क्या है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हैं उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो भी पावर्स हैं उनके जो भी फंक्शंस हैं वो सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को या किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके क्या क्या फंक्शन होंगे उसकी क्या क्या पावर होंगी या का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है स्टूडेंट ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है सेपरेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविज़न दिए गए हैं तो इससे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग या डिसएग्रीमेंट को दूर करते हैं ठीक है ये कहा गया है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है और इसमें स्टेट से रिलेटेड सेंटर से रिलेटेड सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि कैसे स्टेट को एडमिनिस्टर uh, किया जाना है कैसे सेंट्रल uh, लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए इसीलिए अगर कभी भी कोई भी सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या डिसग्रीमेंट होती है तो उससे बचा जा सकता है या फिर उसको रिजोल्व किया जा सकता है उन प्रोविजंस के थ्रू जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड हैं स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट फीचर देखते हैं जिसमें कि बताया गया है डिवीज़न ऑफ पावर्स स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था जब हमने डिवीज़न ऑफ पावर को डिस्कस किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स हैं वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड की गई हैं और इसके लिए तीन लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेवेंथ शेड्यूल में बनाई गई हैं जिसमें से मैंने पहली लिस्ट बताई यूनियन लिस्ट दूसरी लिस्ट बताई स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट होती है कनकरेंट लिस्ट और स्टूडेंट अगर इन लिस्ट को देखा जाए तो जो यूनियन लिस्ट हैं उसमें प्रेजेंट टाइम में 98 सब्जेक्ट्स हैं और ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट्स थे और अगर स्टेट लिस्ट को देखा जाए तो स्टेट लिस्ट में इस टाइम पर 59 सब्जेक्ट्स हैं और ओरिजिनली इसमें सिक्सटी सिक्स सब्जेक्ट्स थे और अगर कन करेंट लिस्ट को देखा जाए तो कन करेंट लिस्ट में प्रेजेंट टाइम में फिफ्टी टू सब्जेक्ट्स हैं और ओरिजिनली इसमें फोटी सेवन सब्जेक्ट्स थे स्टूडेंट जो भी यूनियन लिस्ट है मैंने उसमें आपको बताया कि यूनियन लिस्ट में जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें जो भी लॉज हैं वो स्टेट लिस्ट में जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाएंगे लेकिन जो कनकेंट लिस्ट है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा ही लॉज का फॉर्मेशन किया जाएगा और स्टूडेंट अगर कोई भी ऐसा लॉ है कि जिसमें क्या है तो अगर किसी भी लॉ के लिए कन्फ्लिक्ट होता है उसके प्रोविजन से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा जो भी सेंट्रल लॉ कहेंगे उसी को वरीयता दी जाएगी अगर कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में तो जो भी सेंटर का लॉ कहेगा या सेंटर के द्वारा के द्वारा जो प्रोविजन दिया जाएगा उसको ही सुप्रीम माना जाएगा स्टूडेंट और अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसको कि अभी मैंने आपको समझाया था रेजिडरी सब्जेक्ट मींस कि ऐसा सब्जेक्ट जिसको ना तो यूनियन लिस्ट में उसको कंसीडर किया गया है और ना ही उसको स्टेट लिस्ट में कंसीडर किया गया है तो ऐसा कोई भी बचा हुआ सब्जेक्ट ऐसा कोई भी रिमेनिंग सब्जेक्ट रेजिडोरी सब्जेक्ट कहलाता है और उसकी जो सारी अथॉरिटी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है कोई भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड लॉस को बनाने का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट फेडरल फीचर है उसमें कहा गया है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है सुप्रीम है और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी इंडिया में क्या कहा जाता है हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है ये क्या है हमारा सबसे बड़ा लॉ ऑफ द लैंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम माना जाता है और स्टूडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही चाहे वो स्टेट से रिलेटेड लॉज हों चाहे वो सेंटर से ले सेंटर से रिलेटेड लॉज हों वो सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनेक्ट किए गए हैं सेंटर से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न स्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनेक्ट किए गए हैं सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिखा गया है स्टूडेंट ये भी कहा गया है कि अगर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसी पॉलिसी का फॉर्मेशन किया जाता है बेसिकली कोई भी लेजिस्लेचर के द्वारा ऐसा लॉ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को को वॉलेट करता है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है तो ऐसे प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस के थ्रू उस लॉ को इनवैलिड कर दिया जाएगा स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो हमारी स्टेट्स की गवर्नमेंट हैं वो अगर कोई भी ऐसे प्रोविजंस को बनाती हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर करता है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को वॉयलेट करता है तो उसके लिए जो जुडिशियल रिव्यू है उसके थ्रू उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा स्टूडेंट जो हमारी गवर्नमेंट के जो तीनों ही ऑर्गन्स हैं जिसमें कि लैजिस्टिव है एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है इसमें ये कहा जाता है कि इसमें क्या होता है इन सभी इन सभी के लिए दोनों ही लेवल पर दोनों ही लेवल का मींस है कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर ये जो भी तीनों ऑर्गन्स हैं चाहे वो लेजिस्लेचर हो सेंटर की या फिर स्टेट की लेजिस्लेचर हो या फिर स्टेट के एग्जीक्यूटिवस हों या फिर सेंट्रल के एग्जीक्यूटिव हों या फिर सेंट्रल लेवल पर जो जुडिशियरी है या फिर जो स्टेट की जुडिशियरी है ये सभी उन जुरिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं तो स्टूडेंट ये कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बनाए गए प्रोविजंस को ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उन सब को हमारे गवर्नमेंट के जो भी ऑर्गन्स हैं चाहे वो स्टेट लेवल पर हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो हर किसी ऑर्गन्स को उस उनको फॉलो करना चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके रिगार्डिंग प्रोविजन्स दिए गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी किसी किसी भी लॉ को बनाते टाइम यह ध्यान रखना चाहिए कि वो वो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को वॉयलेट ना करता हो या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्राडिक्ट ना करता हो अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या जो हमारी हाई कोर्ट है उनके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा बनाए गए इस प्रकार के लॉ को इनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पे यह समझाया गया है कि हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को सुपीरियर माना जाता है स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है जो नेक्स्ट फीचर है हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम का उसमें कहा गया है कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होगा तो ईजीली जो भी हमारी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर मैंशन है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो उन सब में क्या होगा बैलेंस बना रहेगा कोई भी इजीली उनको चेंज नहीं कर पाएगा और स्टूडेंट जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजल्ट कहने का मीन्स है कि इजीली इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है इसके लिए अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर में अगर कोई भी चेंज किया जाना है या फिर कोई भी ऐसा मैटर जो कि स्टेट स्टेट सेंटर रिलेशन से रिलेटेड है या फिर जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो उसमें उसको अमेंड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी जो रिकमेंडेशन है जो स्टेट गवर्नमेंट की जो कंसिडरेशन है उसकी भी ज़रूरत पढ़ती है उसको इजीली नहीं अमेंड किया जा सकता है और स्टूडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करने के लिए हमारे जो पार्लियामेंट है वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है साथ ही उसमें हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल भी चाहिए होता है तभी कोई भी ऐसा न, कोई भी ऐसा मैटर जो कि स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड हो किसी भी स्टेट सेंटर रिलेशन से रिलेटेड हो उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है उसके लिए क्या है पार्लियामेंट में तो स्पेशल मेजोरिटी होनी ही चाहिए साथ ही साथ जो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है उनका अप्रूवल भी उस अमेंडमेंट के लिए उस प्रोविजन के लिए मिलना चाहिए तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उस प्रोविजन के थ्रू अमेंड किया जा सकता है तो स्टूडेंट यहां पर हमने समझा कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में रिजिट कॉन्स्टिट्यूशन का होना क्यों जरूरी है उसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट और जो नेक्स्ट फीचर दिया गया है इंडियन फेडरल सिस्टम का उसमें कहा गया है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ का जो जुडिशियर जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा है इंडिपेंडेंट है स्टूडेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सबसे ऊपर रखा गया है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को सब से ऊपर रखा गया है उसको हाई लेवल कंसीडर किया जाता है हमारी कंट्री में जब जुडिशरी की बात आती है तो जो वरीयता है वो सुप्रीम कोर्ट को ही दी जाती है स्टूडेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के के लिए सबसे सुप्रीम बनाने के लिए सुप्रीम इसीलिए बनाया गया है ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी को प्रोटेक्ट किया जा सके जिससे क्योंकि स्टूडेंट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं या जो हमारे हाई कोर्ट हैं वो क्या करते हैं वो अपनी जुडिशियल रिव्यू के पावर के थ्रू किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं तो इसी जो सुप्रीम कोर्ट है जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बनाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया है और साथ ही स्टूडेंट अगर किसी भी दो स्टेट्स के बीच में या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है या फिर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करने के लिए भी हमारी जो जुडिशियरी है उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है उसका फेयर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो क्या कर सके ईज़ीली अपने डिसीजनस को ले सके और उसमें क्या हो किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें क्या हो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना हो स्टूडेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे जो स्पेशल मेजर्स हैं जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर टू जजेस जो जजेस हैं उनको क्या है एक जो उनके जो टेन्योर है उनको फिक्स किया जाता है और साथ ही जो जजेस हैं उनके लिए फिक्स्ड सर्विसेज़ का फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस हैं और ऐसी जो भी नए जो प्रोविजंस हैं ऐसे स्पेसिफ़िक प्रोविजंस लाए जाते हैं जिससे कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बनी रहे और वो अपना काम फेयरली करे और क्या है अपने डिसीजंस को बिल्कुल सही ले प्रॉपर ले। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो हमारे इंडिया की जो जो जुडिशरी है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है उसके ऊपर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स नहीं होता है जिससे कि वो अपने डिसीजंस को इजीली ले सके साथ ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो सुप्रीमेसी है वो बनी रहे और अगर सेंटर या स्टेट के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिज़ोल्व किया जा सके या फिर स्टेट्स के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको भी हमारी ज्यूडिशियरी के द्वारा रिजॉल्व किया जा सकता है स्टूडेंट उसके बाद एक और इम्पॉटेंट फीचर है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का उसमें कहा गया है बाई कैमरलिज़म स्टूडेंट इसका मीन्स ये है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी जो लेजिस्लेचर है उसको बाई कैमरल लैजिसलेचर बनाया गया है बाई कैमरल का मीन्स ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल लेवल में जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेस हैं एक तो अपर हाउसेस है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं और दूसरा लोअर हाउस है जिसे लोकसभा कहते हैं बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर के लिए लजिस्लेचर के लिए लॉ में जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसके लिए बाई कैमरल प्रोविज़न किया गया है जिसमें कि एक बॉडी कहलाती है अपर हाउस जो कि राज्यसभा है दूसरी बॉडी कहलाती है दूसरी लेजिस्लेचर बॉडी है वो कहलाती है लोअर हाउस जिसे लोकसभा के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट अगर राज्यसभा की बात की जाए तो जो राज्यसभा है वो इंडियन फेडरेशन में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है जबकि जो लोकसभा है वो इंडिया में इंडिया के जो अलग अलग टेरिटरी से अलग अलग स्टेट से जो भी लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट जो राज्यसभा है वो बेसिकली क्या है ज़्यादा पावरफुल चैम्बर नहीं है लेकिन तब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है जो फेडरल इक्विलिब्रियम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राज्यसभा का होना ज़रूरी है ताकि जो हमारे स्टेट्स हैं उनके जो भी इंटरेस्ट हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके और जो सेंटर का जो अंडू इन्फ्लुएंस है जो सेंटर का अंडू इंटरफेरेंस है स्टेट्स की पॉलिसीज़ में उसको रोका जा सके तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने अपने जो फेडरल फीचर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उन सभी को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया इन सभी प्रोविजंस को हमने डिटेल में समझ लिया जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर कहलाते हैं तो स्टूडेंट अभी का लेक्चर यहीं रखते हैं आई होप आपको समझ में आया हो थैंक्स फॉर वॉचिंग